नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने भाषण के दौरान कहा है कि भाजपा में परिवारवाद है। भाजपा को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कोई और नहीं मिला। आरजेडी और जेडीयू में रहे शकुनी चौधरी का बच्चा सम्राट चौधरी ही मिला। चलिए आपको सुनाते हैं प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। करोड़ परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन विधायक सांसद यहाँ सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही बने हैं। ये एक तरीके से कुछ परिवार का राजनीति पर कब्जा है। विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा। सामान्य जो बच्चा है, अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, राजनीति में पहले से बहुत सक्रिय नहीं है, तो आपको चुनाव लड़ने का अवसर बिहार में नहीं है। और ऐसा सिर्फ लालू जी के केस में नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि लालू जी के परिवार का दबदबा है। हर विधानसभा, हर प्रखंड में कोई ना कोई ऐसा परिवार है जो कि राजनीति करता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, भाजपा को हम लोग मानते हैं कि भाई, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भाजपा तो परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन अभी भाजपा के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी बिहार में। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी, जब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस के दौर में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बन गए। और आज अगर भाजपा की बढ़त ताकत दिख रही है तो भाजपा को भी कोई दूसरा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का बच्चा ही मिला है। तो ये कमोवेश हर प्रखंड, हर जिले की स्थिति है। 4-5-10 परिवारों ने राजनीति पर पूरा अपना कब्जा बनाया हुआ है। जिस दल का, जिस नेता का भी हवा होता है, सब उसी में। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से तंज कसा है भाजपा पर। अब तो देखने वाली बात यह है कि भाजपा का क्या रिएक्शन आता है इस पर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।